इस लॉकडाउन के बीच में ईपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2019 का रिजल्ट आ चुका है। प्रदीप सिंह हैज टॉप्ड दिस प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन और दूसरे स्थान पर जतिन किशोर और तीसरे स्थान पर प्रतिभा वर्मा है। महिलाओं में प्रतिभा वर्मा अव्वल आए हैं। इस बार करीब 829 स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं। यूपीएससी के इंटरव्यू इस साल फरवरी से लेकर के अगस्त के बीच में हुआ था और आज सुबह यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका रिजल्ट आया है। कैंडिडेट्स यूपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट यानी www.upsc.gov.in पर अपना रोल नंबर देख करके रिजल्ट चेक कर सकते हैं। अगर कैटेगरी वाइज हम देखें तो इस साल जनरल में 304, ईडब्ल्यूएस में 78, ओबीसी में 251, एससी में 129 और एसटी के 67 उम्मीदवारों ने ये परीक्षा क्लियर किए हैं। बता दें कि यूपीएससी में प्रीलिम्स और मेंस पास करने के बाद तीसरा पड़ाव इंटरव्यू का होता है। इस बार कोरोना काल होने के चलते यूपीएससी के कुछ इंटरव्यू स्थगित कर दिए गए थे। बाद में यूपीएससी ने उन सभी कैंडिडेट्स को कई सुविधाएं दी थी और जो इंटरव्यू में शामिल हुए थे। सारे क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को फॉर्मूला यूपीएससी की ओर से कॉन्ग्रेचुलेशंस। इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।